हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विवेक एजुकेशन। दोस्तों, विवेक एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच जो ग्रामर सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसके बारे में आज पढ़ेंगे, जो एकेडमिक से रिलेटेड है, यानी कि जो भी एकेडमिक क्लासेज होती हैं 12th 11th के लेवल की ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि फिगर ऑफ स्पीच है, तो फिगर ऑफ स्पीच आप लोग अलंकार हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़े हैं, सेम वही चीज़ है, बस हिंदी में इसको हम अलंकार कहते हैं और इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनीशन देखें तो आपकी स्क्रीन पे है, उसके बारे में जानते हैं। फिगर ऑफ स्पीच का पहला जो डिफिनीशन है वो क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विथ अ ड्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। और सेकेंड जो डिफिनीशन है वो क्या है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फ्रॉम फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। इसका मतलब क्या है कि ऐसा असाधारण प्रयोग जो भाषा में सुंदरता उत्पन्न करता हो या उसके प्रभाव को और अधिक बढ़ाता हो उसको हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, अब हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उन टाइप्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। तो आइए चलते हैं टाइप्स के बारे में। तो टाइप्स जो है इसमें टोटल 7 टाइप्स हैं। पहला टाइप्स क्या है, सिमली। पहला टाइप्स है सिमली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपमा। सेकेंड है मेटाफर, जिसको हम कहते हैं रूपक। तीसरा है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण। और चौथा है एपोस्ट्रॉफी, जिसको हम कहते हैं संबोधन। और पाँचवा है ऑक्सीमोरन, जिसको हम कहते हैं विरोधाभास। और छठवां है हाइपरबोल, जिसको हम कहते हैं अतिशयोक्ति। और सातवां है ऑनोमेटोपोइया, जिसको हम कहते हैं ध्वनि सूचक। ठीक है, तो ये जो टाइप्स हैं अब इनके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। तो पहला टाइप है सिमली, इसका जो डिफिनीशन है दोस्तों इसको देखते हैं। डिफिनीशन है, अ सिमली एक्सप्रेसेस कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। यूजली द कंपेरिजन इज एक्सप्रेस बाई यूजिंग लाइक, सच एज, जस्ट एज सो एज। ठीक है, यानी कि इसका अगर हिंदी में देखें तो इसमें क्या होता है कि दो भिन्न भिन्न समुदाय के दो भिन्न भिन्न वस्तुओं में किसी समान गुण की तुलना की जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है कि भिन्न समुदाय जो होंगे वो भी भिन्न होंगे और उसमें जो वस्तुएं होंगी वो भी भिन्न होंगी, लेकिन उनके जो समान गुण होंगे उनकी तुलना की जाएगी। ठीक, इसी को हम कहते हैं सिमली। और जैसा कि आपको एग्जांपल दिख रहा है, पहला एग्जांपल है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। और सेकेंड एग्जाम्पल है चाइल्डहुड इज लाइक अ स्विफ्टली पासिंग ड्रीम। और थर्ड एग्जाम्पल है राणा प्रताप वाज एज ब्रेव एज लॉयन। फोर्थ है द लेक वाज क्लियर एज अ क्रिस्टल। अगर हम एग्जाम्पल को समझें तो जैसा कि पहला एग्जाम्पल है आपका आई वॉन्डर्ड लोनली एज क्लाउड, तो क्या होता है कि जो जो आई है उसको हम क्लाउड की उपमा दे रहे हैं, यानी कि जो इसमें सब्जेक्ट आई दिया हुआ है इसको हम किसकी उपमा दे रहे हैं, क्लाउड की उपमा दे रहे हैं, क्लाउड से इसकी तुलना करते हुए। ठीक, तो ये हमारा है। अब इसमें हमको ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि इसमें वही सेंटेंस होंगे जो मतलब इसमें कौन से सेंटेंस नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि एक ही जाति या समुदाय के अगर दो व्यक्ति या दो वस्तु हैं अगर उनकी तुलना की जाती है तो वो सिमिली नहीं होते हैं। ठीक है, क्या एक बार और रिपीट कर देते हैं कि एक ही जाति या समुदाय के दो व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना सिमिली नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा सिमिली के बारे में देखे थे। सिमिली के बारे में एक बार और अगर हम देखें तो ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा गया वही एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो आता है मेटाफर, इसको हम कहते हैं मेटाफर। और इसका जो हिंदी होता है वो होता है रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। अब इसका डिफिनीशन अगर देखा जाए तो अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमली। और एक और डिफिनीशन, इन अ मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज्ड। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी दो भिन्न भिन्न समुदायों के प्राणी यानी कि दो भिन्न भिन्न समुदायों के प्राणी अथवा वस्तुओं में
किसी समान गुण की ही तुलना की जाती है, लेकिन लेकिन इसमें क्या हुआ कि लाइक, सो, एज, एस या सो एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, क्या किसका नहीं होता है? लाइक का नहीं प्रयोग होगा, एज सो का नहीं प्रयोग होगा, एज का नहीं प्रयोग होगा। यानी कि जिसका प्रयोग हम लोग सिंगल में करते थे वर्ड का, लाइक सो एज सो का, इसका प्रयोग मेटाफर में नहीं होगा। ठीक, मेटाफर में इसका प्रयोग नहीं होगा। जैसे पहला एग्जांपल आपका दिया हुआ है लाइफ इज अ ड्रीम, इसमें कहीं भी लाइक सो एज का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है राणा प्रताप वाज अ लॉयन इन द फाइट, इसमें भी हम लोग लाइक सो एज का प्रयोग नहीं किया है। दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि मेटाफर और अगर सिमिली में डिफरेंस पूछा जाए तो मेटाफर और सिमिली में यही डिफरेंस होता है कि सिमिली में सो एज लाइक का प्रयोग करते हैं और मेटाफर में सो एज लाइक का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक सेंटेंस आपको बता दें, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जैसे ये लाइफ इज अ ड्रीम है, इसी के जगह हम लिख दें लाइफ, सॉरी लाइफ लिख दें, इसको हम इरेज कर देते हैं, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं, लिख देते हैं एग्जाम्पल को। ठीक, एग्जाम्पल लिख दें अगर लाइफ, तो लाइफ इज लाइक अ, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। ठीक, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम अगर लिख दें तो इसमें लाइक शब्द जो है आ गया है, तो ये सिमिली हो जाएगा। और वही लाइक अगर हम हटा दें तो हो जाएगा लाइफ इज अ ड्रीम, जैसा कि आपको एग्जांपल ये दिख रहा है, उसको हम कहते हैं मेटाफर। सेम क्वेश्चन सेम एग्जांपल नेक्स्ट वाला जो है, अगर इसमें हम यहाँ बीच में फॉट लाइक लगा दें तो ये सिमिली में आ जाएगा। ठीक, यानी कि उसको हम हटा दिए हैं, लाइक हटा दिए हैं, तो ये हमारा मेटाफर में आ गया है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये चीज़ था मेटाफर के बारे में। अब चलिए नेक्स्ट, मेटाफर का हिंदी में मेटाफर को हम कहते हैं क्या, रूपक अलंकार। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, पहला डिफिनीशन इसका देख लेते हैं। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफ प्लेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और थॉट ऑफ एज लिविंग बींग्स, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी अदृश्य वस्तु या विचार को व्यक्ति के समान सजीव मान लेते हैं, यानी कि कोई अदृश्य वस्तु या विचार ऐसा है जिसको हम व्यक्ति के समान सजीव मान लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन, या हिंदी में कहते हैं मानवीकरण। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल आपको पहला इसमें दिख रहा होगा, ऊपर लिखे हैं, ये एग्जांपल इम्पोर्टेंट है, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ कि अवसर केवल एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है। इसका जो हिंदी हुआ वो यही हुआ कि अवसर केवल एक ही बार दरवाज़ा खटखटाता है। और इस वाक्य में, इस सेंटेंस में अवसर जो है वो अदृश्य वस्तु है और वह खटखटाने का कार्य कर रहा है, जो एक जीवित यानी कि लिविंग का कार्य कर रहा है, उसको हम कहेंगे मानवीकरण अलंकार या पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, कहेंगे, ठीक, यानी कि जीवित प्राणी के समान वो कार्य कर रहा है खटखटाने का। जो अवसर है वो अदृश्य वस्तु तो है, लेकिन जो खटखटाने का कार्य वो ऐसे हो रहा है कि जैसे कोई जीवित प्राणी हो, इसीलिए हम इसको पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देख लीजिएगा, जैसे कि पहला है इसमें, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। ठीक है, सेकेंड है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। थर्ड है, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। फोर्थ है, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स। फाइव है, एन एग्जिटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा, सेम वही चीज़ है, पर्सोनिफिकेशन का ही एग्जाम्पल है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले, अपोस्ट्रॉफी पे, तो अपोस्ट्रॉफी के बारे में अगर देखा जाए तो डिफिनीशन इसका है, इन अपोस्ट्रॉफी वी एड्रेसेस अ डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग्स और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज अ लिविंग पर्सन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें भी किसी निर्जीव अदृश्य वस्तु या विचार को हम किसी मृत प्राणी को जीवित दृश्य या उपस्थित मानकर संबोधन किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रॉफी या संबोधन। ठीक, यानी कि अगर कोई निर्जीव वस्तु है उसको हम जीवित मान लें, कोई अदृश्य चीज़ है उसको हम दृश्य मान लें, मतलब वो दिखाई देने वाला हो जाए, और अगर कोई विचार है उसको हम उपस्थित मानकर संबोधन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोस्ट्रॉफी कहते हैं। और उसको पहचानने का तरीका है दोस्तों,
इसको हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा वाक्य रहेगा उसके बाद जो भी वाक्य है, जैसे ओ डेथ वेयर इज दिस स्टिंग, ओ लिबर्टी व्हाट क्राइम्स हैव बीन कमिटेड इन द इन द नेम, ठीक है, इन द नेम है, ठीक। ये जो भी है इसको हम अगर देखा जाए तो इसमें जो पहला है इसमें क्या है, इसे मृत्यु, ठीक, इसमें मृत्यु दिखाया गया है जो मृत्यु को संबोधित करता है, और सेकंड वाक्य में क्या है, सेकंड सेंटेंस में स्वतंत्रता को संबोधन किया गया है जो दोनों वस्तुएं निर्जीव या अदृश्य हैं, यानी कि जो डेथ है ये भी निर्जीव है या अदृश्य है, और वो लिबर्टी जो है वो भी अदृश्य है, ठीक है, स्वतंत्रता तो अदृश्य है, निर्जीव है, ठीक है, इसको हम लोग संबोधित कर रहे हैं इस सेंटेंस में, ओके। तो जो हमारा ये सेंटेंस था वो इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर हम इसको पहचानने का शॉर्ट ट्रिक देखें कि कैसे इसको पहचानेंगे, तो जो भी हमारा वाक्य रहेगा, जो भी वाक्य रहेगा उसमें जो वस्तु या व्यक्ति दिया रहेगा उसके बाद क्या रहेगा, लगा हुआ रहेगा कॉमा लगा रहेगा, ठीक, या फिर एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होगा, ठीक, या फिर जो भी वाक्य में वस्तु या व्यक्ति दिया रहेगा उसके पहले ओ लगा रहेगा, ठीक है, ओ लगा होगा, जैसे ओ डेथ है, ओ लिबर्टी है, ये लगा होगा, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, यानी कि जो भी सेंटेंस है वो क्या है, एपोस्ट्रॉफी है, अगर उसमें कॉमा लगा रहे, एक्सक्लेमेशन का साइन लगा रहे और ओ लिखा रहे, कोई इन तीनों में से एक रहेगा वो एपोस्ट्रॉफी हो जाएगा। एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सिमिली का किसको कहेंगे, अगर कोई सेंटेंस है, ठीक, अगर कोई सेंटेंस है उसमें लाइक सो एज लगा है तो वो सिमिली है, और अगर वो नहीं लगा है, लाइक सो एज नहीं दिया हुआ है तो वो मेटाफर होगा, और एपोस्ट्रॉफी में क्या रहेगा, कि कॉमा लगा होगा या एक्सक्लेमेशन का साइन लगा होगा या ओ लिखा होगा तो वो क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा। एक और पहचानने का तरीका ये भी है कि जो हमारा निर्जीव वस्तु दिया रहेगा या अदृश्य वस्तु दिया रहेगा या कोई विचार अगर व्यक्त किया गया हो और वो सब जीवित हो, यानी कि जो निर्जीव वस्तु है वो जीवित प्राणी की तरह हो, जो अदृश्य वस्तु है वो दृश्य वस्तु हो, या फिर जो विचार है उसको उपस्थित मानकर हम संबोधन करेंगे तो भी वो एपोस्ट्रॉफी के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस किए, इसका एक और पार्ट आएगा जिसमें हम अदर इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करवाइएगा, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसका पहला नोटिफिकेशन या पहला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।